हम हेल्प डेस्क को दो टाइप के क्वेरी सेंड कर सकते हैं, या तो पोर्टल से लॉग इन करके या राइट टू अस से। पहले हम डिस्कस करते हैं कि राइट टू अस से एप्लीकेंट जो है वो हेल्प डेस्क पे क्वेरी कैसे सेंड कर सकता है। जो होम पेज पे सबसे ऊपर टॉप पे है राइट टू अस, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। तो हम जब यहाँ डायरेक्ट होते हैं, यहाँ पे अपना एप्लीकेंट या यूज़र जो भी क्वेरी सेंड करना चाहता है अपना मोबाइल नंबर एंटर करेगा। देन सिक्योरिटी की वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा उस मोबाइल नंबर पे। एप्लीकेंट को वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। वेरिफिकेशन के बाद जो है जो यूज़र है वो ये स्क्रीन देखेगा। यहाँ पे एक प्रोविजन है इस सॉफ्टवेयर में कि एक सिंगल मोबाइल नंबर जो है वो मल्टीपल एप्लीकेंट आईडीज के साथ रजिस्टर हो सकता है। तो ये वो आईडीज की लिस्ट है जिनके साथ ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर एप्लीकेंट को इनमें से किसी भी एक आईडी को सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका नेम आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब ये क्वेरी जो है हेल्प डेस्क के पास जाएगी तो इस यूज़र आईडी और इस फ़ोन नंबर के इंफॉर्मेशन के साथ जाएगी। तो या तो एप्लीकेंट जो है यहाँ से इन आईडीज में से किसी आईडी को सेलेक्ट कर सकता है। अगर ये सेलेक्ट करता है इसको आईडी को, तो जब एप्लीकेंट इस एप्लीकेंट आईडी से पोर्टल पे लॉगिन करेगा तो यहाँ से जो क्वेरी उसने सेंड की होगी वो उस क्वेरी को अपने लॉगिन अकाउंट में देख सकता है। और अगर इन केस किसी भी रीजन से जो है एप्लीकेंट इन तीनों आईडीज में से किसी पे भी किसी को भी यूज करके अपनी क्वेरी नहीं सेंड करना चाहता है तो वो ये यहाँ पे अपना जो है नाम एंटर कर सकता है, जिस भी नाम नेम के थ्रू वो अपना जो है क्वेरी सेंड करना चाहता हो। हम इसमें अभी ये आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, इससे अब जो एप्लीकेंट का नेम इस आईडी में होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन एप्लीकेंट जो आपकी क्वेरी की कैटेगरी है वो उसके रिगार्डिंग जो एक क्वेश्चन सेट में से क्वेश्चन जो आपके क्वेरी से मैच करता है, देन सबमिट। सबमिट करने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज आता है जो ये पूछता है कि आप अपनी क्वेरी सेंड करना चाहते हैं हेल्प डेस्क पे या नहीं। यस करने पे ये ऊपर एक मैसेज इसमें दिखाते हैं कि जब आप हेल्प डेस्क आपकी जो क्वेरी सेंड आपने की है उस पे कोई भी एक्शन लेगा तो जो है आपको मोबाइल एसएमएस के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा कि आपकी क्वेरी पे एक्शन ले ले लिया गया है। अब एप्लीकेंट जो है वो फिर से राइट टू अस पे जाके जो है फिर से उसी तरह से अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करा के उस क्वेरी को वहां पे देख सकता है, या फिर जिस आईडी से उसने वो क्वेरी की है उससे जो है अपने पोर्टल पे लॉगिन कर सकता है। एप्लीकेंट जब अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करेगा तो उसको अपनी जो उसकी ईमेल आईडी है और पासवर्ड है उसको एंटर करेगा। लॉगिन करने के बाद हेल्प डेस्क के टैब पे क्लिक करेंगे तो जो हमने क्वेरी अभी सेंड की थी राइट टू अस के थ्रू, तो वो क्वेरी यहाँ पे आ गई है। जैसे आप देख सकते हैं हेल्प की अभी हेल्प डेस्क ने इस पर रिप्लाई नहीं किया है। ये एक एप्लीकेंट का पोर्टल है, एप्लीकेंट यहाँ से भी अपनी क्वेरी डायरेक्टली सबमिट कर सकता है हेल्प डेस्क को। कैसे? जैसे इस आईडी से ये ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया है इसने, यहाँ से ये अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेगा जो भी इसने क्वेरी करनी होगी उस हिसाब से। देन ये अपनी क्वेरी क्वेश्चन और सबमिट। एप्लीकेंट जो है डायरेक्टली यहाँ से अपनी जो जो क्वेरी है उसने हेल्प डेस्क को सबमिट कर दी है। जब भी हेल्प डेस्क कोई रिप्लाई करेगा वो रिप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड, इसमें एक और थर्ड प्रोविजन जो है वो है ऑन कॉल क्वेरी का। अगर एप्लीकेंट जो है वो डायरेक्टली हेल्प डेस्क पे कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवाना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है उनसे, तो वो भी कर सकता है। तो एप्लीकेंट को इस केस में सिर्फ कॉल करनी है हेल्प डेस्क पे। हेल्प डेस्क जो यूजर होगा वो खुद जो है एप्लीकेंट की जिस रिगार्डिंग क्वेरी होगी उसकी कैटेगरी उसका उनका क्वेश्चन वह एंटर कर देगा, और क्वेरी रिजॉल्व हुई या नहीं हुई उसका स्टेटस, या और जो हेल्प डेस्क है वो अपने आप कोई रिमार्क्स अगर वो आपकी क्वेरी के अगेंस्ट डालना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपने ये क्वेरी कब की थी और किस टाइम पे की थी, क्वेरी कब एंड हुई थी। ये है हेल्प डेस्क को क्वेरी सेंड करने के तरीके। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अब ये क्वेरी हमने की थी और यहाँ पे हेल्प डेस्क का जो है वो रिप्लाई आया है और रिप्लाई की डेट भी साथ में आ गई है। इसी तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली अपने पोर्टल से जो हेल्प डेस्क के साथ।